फैसलाबाद से खबर, जहां 9 मई के केस में पीटीआई रहनुमा एमएनए जरताज गुल अदालत पेश हुई। जरताज गुल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश हुई हैं। अदालत ने 1 लाख रुपए की मशुल्कों पर जमानत भी मंजूर कर ली है। जरताज गुल को 5 मई को दोबारा अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। 9 मई का केस है, जहाँ पीटीआई रहनुमा एमएनए जरताज गुल अदालत में पेश हुई। जरताज गुल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश हुई हैं। अजमल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी अजमल। जी बिल्कुल, जो 9 मई के हवाले से जो है वो एक अहम पेशरफ्त हुई है। आज एमएनए जरताज गुल पीटीआई के रहनुमा है। गुज़श्ता बरस जो है इनके खिलाफ थाना सिवल्ला फैसलाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके ऊपर जो है वो जेआईटी ने इंटरोगेशन की, जिसके बाद अदालत में जो है वो इनके खिलाफ जो है समन जो है वो जारी किए गए। समन के ऊपर जो है वो आज जरताज गुल जो है वो कोर्ट में पेश हुई है। दहशतगर्दी की अदालत के जज जो है वो छुट्टी पे थे, जिसकी वजह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की कोर्ट में जरताज गुल अपने वकला के साथ पेश हुई है। अदालत ने जो है उनको रिलीफ दिया है, 1 लाख के मुचलकों के ऊपर जो है वो उनको 5 मई तक जो है वो एक्सटेंड की गई है बेल। इससे कबल जो है गुज़श्ता रोज पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं उमर यूब, अपोजिशन लीडर हैं, वो भी पेश हुए थे कोर्ट में, और साथ साथ सेनेटर शिपली फराज भी थे, और उनको भी 11 मई तक जो है वो रिलीफ मिला है। या फैसलाबाद ने जो 9 मई के मुकदमा दर्ज हुए हैं उस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनके हवाले से जो है वो अच्छी खबर फैसलाबाद से आ रही है कि उनको कोर्ट की तरफ से रिलीफ मिल रहा है। अच्छा अजमल, ये भी बताइएगा, ये जो पीटीआई रहनुमा एमएनए जरताज गुल पर टोटल कितने मुकदमा दर्ज थे और क्या तमाम मुकदमात में इनको मिला है रिलीफ? तो ये 1 मुकदमे में कोर्ट में पेश हुई है, लेकिन जेआईटी ने जो फैसलाबाद में तकरीबन 8 से 9 मुकदमा जो है वो 9 मई के मुकदमा 9 मई के वाकयात में दर्ज हुए थे, जिसमें जेआईटी ने तकरीबन पीटीआई की मरकजी क्यादत को, जो बड़ी मरकजी क्यादत है जिसमें पंजाब के अलावा जो केपी और सिंध से भी लोग शामिल हैं, उनको भी नामजद किया गया था, और उनके जो समन है वो अदालत की तरफ से जारी किए गए थे। और आज ये 1 मुकदमे में पेश हुई है। इसके अलावा भी 3 से 4 मुकदमात हैं जिसमें जेआईटी ने जरताज गुल के। ठीक है अजमल मलिक, बहुत शुक्रिया आपका।